ताकि लोकल जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं आउटस्कर्ट में, जो यहाँ के गाँव के लोग हैं टिपिकल, उनका खुल देते हैं, बट उनको अंदर जाना अलाउड नहीं है, वो लोग अंदर जाते ही नहीं है। बाहर से फुटस्टेप जो है वहाँ से वो लोग दर्शन लेते हैं, पैर पड़ते हैं, अंदर किसी को भी जाना अलाउड। लिंगायत लोग को अलाउड है सर? बहुत यूनिक। कौन सी लिंगायत? लिंगायत जो यहाँ की जो कास्टिज्म है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कास्टिज्म चलता है आज भी, मतलब काफ़ी बरसों से कास्टिज्म फॉलो किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद आने के बाद भी सब बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए, फिर भी आज यहाँ पे लोग मानते हैं उस चीज़ को। So yes guys, very good morning all. I hope you're doing perfectly fine. It's another day, it's another vlog. And guys, I'm welcoming to all of you on our YouTube channel. It's Travel with Chiku. So guys, अभी अपन episode 2 में enter हो चुके हैं. Episode 2 अभी special है because episode में अपन है सतीश के होम टाउन में, जो कि सतीश के कुछ मैरिज जो अभी नेक्स्ट मंथ उसका मैरिज है, तो उसके लिए कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ है, भगवान के उनके जो कुल देवते हैं उनके रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ है, तो उसके लिए हम लोग अभी उसके गांव में ही हैं। अभी फ्रेशअप हो चुके हैं, नाश्ता भी किया है। नाश्ता भी अपन ने क्या खाया? सुशीला। सुशीला जो कि हम लोग ने लास्ट ब्लॉग में आकर अपने कर्नाटक के ब्लॉग में देखा होगा, जिसको उबरानी करके जाना जाता है, तो वो खाया था हमने। तो अभी हम लोग मंदिर के इधर पहुँच गए। सो दिस इज़ द मंदिर लुक्स लाइक, आप देख सकते हो। तो ये मंदिर को वहाँ पे जाके अपन डिटेल में इसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। वहाँ पे बैंजो चालू है, और सतीश ये है दूल्हा। सो गाइज, अभी ये जो आपको सामने वीरभद्रेश्वर, श्री वीरभद्रेश्वर मंदिर, जो शिवजी का ही रूप है, और मतलब बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी है इसके साथ, मंदिर के साथ। तो अभी हम लोग अंदर नहीं गए, बाहर से दर्शन लिया है, और अभी हम लोग जाने वाले हैं सतीश के साथ। अभी आप कहाँ जा रहे हैं भाई? सतीश हम लोग जा रहे हैं कुछ उधर पेड़ पड़ने शायद। हाँ, तो और एक चाचा, चाचा देख वो बस इसमें नहीं आते। हाँ, कैसे हो चाचा? क्या बोल रहे हैं? तो चाचा भी है, और चाचा भी हमारे साथ आए थे अभी, बसवा कल्याण से हमारे साथ ही थे। चलो बढ़िया बढ़िया चाचा, अपन ही फुकट बैठे भाई, सब सब मेहनती लोग हैं। तो अभी और है, इनके गांव में ही मंदिर है, तो वहां पे हम लोग जा रहे हैं अभी दर्शन के लिए। तो उसके बाद अपना क्या प्लान रहेगा? उसके बाद क्या, शाम को इधर उधर जाना है? उधर 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 उधर, हाँ तिकड़े। उसके बाद? उसके बाद फिर यहाँ पे ड्रोन उड़ाएंगे गांव में, और क्या। और आज का दिन अपना यहाँ पे उसके गांव में स्पेंड होने वाला है। फंक्शन भी है, हाँ वो भी अटेंड करेंगे। और यहाँ पे इलेक्शन का रैली भी चल रहा है, अभी 10 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन है बीजेपी का, तो उसका रैली चल रहा है। तो अभी वहाँ पे बीजेपी के लोग भी आए थे वोट के लिए, वोट दो वोट हमको। यहाँ का इलेक्शन और वहाँ का इलेक्शन बहुत फर्क है। यहाँ के इलेक्शन में भाई लोगों के साथ जुड़े रहते हैं ना, मतलब वो आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट में यही होता है, बात होती है। एक एक को चुन चुन के लेके जाते हैं यहाँ से उठा उठा के। तो गाइस अभी हम लोग मंदिर में बैठे हुए हैं, और सतीश बीजे है उसके बाम्बू के साथ, और एज यूजुअल थोड़ा में मेरा काम चल रहा है, ऑफिशियल एक्टिविटी तो वो चालू है मेरा। अंकल लोग पीछे मंदिर है, और यहाँ पे क्या है, दादाजी लोग है दो। हाय मट रहा है, इल कैमरा इल हाय मही मट और भी और भी और एक भी सभी। आइसक्रीम आई है, आइसक्रीम खा रहे गांव का, थोड़ा स्पेशल आइसक्रीम है। उसका डिजाइन भी देखो कितना अलग है, यूनिक आइसक्रीम। और ये कौन सा फ्लेवर है? गांव का फ्लेवर है, गांव वनीला फ्लेवर। ये है गांव फ्लेवर,
वेनिला। और इसका देखो ये भी बहुत अलग ही चीज़ है, क्या है इसका मतलब? ये मंदिर बंद को कुछ तो नहीं बोलो तो एक देखो 50 वर्ष हो गए। 50 साल हो गए? 50 साल हो गए। इसका मंदिर का क्या मतलब कुछ खासियत? खासियत क्या है, वो भगवान का उनको दुआ कुछ तो हम क्या मांग ले वो अच्छा होता है हमको। ओके ओके। हाँ हाँ। और इधर हम जा नहीं सकते है ना? अंदर नहीं जाए दूसरा कोई से भी आदमी नहीं जा सकते। हम भी नहीं जाता। हम भी ब्राह्मण थे, हम हरटे हैं, फिर नहीं जाते। सिर्फ ब्राह्मण जा सकते हैं, ब्राह्मण भी नहीं है। फिर जाते उन्हीं पुजारी, उन्हीं क्या वो देवल का पूज्य कौन उन्हें कौन करते उन्हीं जा सकते। ओके। वो मराठी हो गए, ब्राह्मण हो गए, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। ओके ओके। ओनली सिर्फ लिंगायत लोग? लिंगायत। ओके। तो मैं अभी आइसक्रीम वाले को पैसा नहीं दे रहा था, वो मुझे बाय करते, मेरे भाई बोल रहा था, वो बोल रहे भाई पैसा तो पैसा हमारे दादा नहीं दी थी हमारे हाथ के ऊपर। ओके ओके। तो अभी जैसे कि आपको मंदिर के बारे में हमको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला, तो महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे बहुत बड़ी जत्रा होती है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सोलापुर, महाराष्ट्र, सब जगह से लोग आते हैं। बहुत बड़ी तादाद होती है, 5 दिन बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। खाना पीना सब यहाँ पे बनता है, 24 घंटा लोग यहाँ पे खाना ही खाते हैं। अच्छा। और जो चीज़ जो मैंने मतलब मैं इतने सारे ज्योतिर्लिंग घूमा हूँ, ऑलमोस्ट मैंने 8 ज्योतिर्लिंग किए हैं, और कहा मतलब आउटस्कर्ट में मैंने महाकाल के दर्शन किए, सब जगह मैंने शिव जी के दर्शन किए हुए हैं, बट यहाँ पे ये भी जो श्री वीरभद्रेश्वर जो मंदिर है गोकुल में, ये थोड़ा यूनिक है। इसका पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे सिर्फ पुजारी लोगों को ही अंदर अलाउड है जाना, यहाँ के लोकल जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं आउटस्कर्ट में, जो यहाँ के गांवकारी लोग हैं टिपिकल, उनका खुल देते हैं, बट उनको अंदर जाना अलाउड नहीं है, वो लोग अंदर जाते ही नहीं है। बाहर से फुटस्टेप जो है वहाँ से लोग दर्शन लेते हैं, पैर पड़ते हैं, अंदर किसी को भी जाना अलाउड। लिंगायत लोग को अलाउड है सर? बहुत यूनिक। कौन सी लिंगायत? लिंगायत जो यहाँ की जो कास्टिज्म है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कास्टिज्म चलता है आज भी, मतलब काफ़ी बरसों से कास्टिज्म फॉलो किया जा रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद आने के बाद भी सब बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए, फिर भी आज यहाँ पे लोग मानते हैं वो चीज़ को। वचन देने वाले दुनिया में नहीं रहे, फिर भी वचन को उनका वचन कायम है। बहुत यूनिक चीज़ है, तो ये बहुत एक यूनिक लगा मुझे इतने सारे महादेव के मंदिर देखने के बाद। मुझे ये पहला महादेव का मंदिर देखा जहाँ पे मैं खुद अंदर गया दर्शन के लिए, मैंने बाहर से दर्शन कर लिए है। तो यस, अभी शाम को ड्रोन उड़ाएंगे यहाँ पे और पूरा गाँव का एक आपको मैं ओवरव्यू दूंगा। नहीं, 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 नही